और देखें जी, हम लोग नाश्ते पर पहुंच चुके हैं और आपका भाई जो है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारा डेली लाइफ व्लॉगिंग का डे वन है और आपको आज बहुत मज़ा आने वाला है। आज हम आपके साथ अपनी डेली की रूटीन शेयर करेंगे और अगर हम कहीं बाहर अंदर गए तो हम आपको वो भी दिखाएंगे। चलें आएँ, सबसे पहले नाश्ते की तरफ बढ़ते हैं। देखें जी, हम लोग नाश्ते पर पहुंच चुके हैं और नाश्ते में आपका भाई जो है इतनी कोई ख़ास हैवी चीज़ों का शौकीन नहीं है, तो इसलिए मैं सिर्फ नाश्ते में जूस लेता हूं और कुछ भी नहीं। चले अब इसको डालते हैं और पीते हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। स्टडी टाइम में जी हम पहुंच चुके हैं और ये है जी आपके भाई का बैग। और आज जो है हमने सिर्फ जो है मैथ का टेस्ट याद करना है, जो कि थोड़ा मुश्किल भी है और थोड़ा आसान भी है, लेकिन याद तो करना है। चलें अब मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ कि मेरा कौन कौन सी एक्सरसाइज का टेस्ट है। भाइयों दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कि मेरी अकल आप चेक कर सकते हैं। आज है 15 सितंबर और आज उर्दू का टेस्ट था और मैं जो हूँ अभी भी है, आज शाम 4:30 बजे टेस्ट है। लेकिन ये देखें, मैं आज मैथमेटिक्स का टेस्ट याद करने लगा था और आप ये देख लें, अगर मैं मैथमेटिक्स का टेस्ट याद कर जाता तो स्कूल एकेडमी से एकेडमी वाले सर भी मुझे बातें सुनाते, घर वाले भी कहते कि तुमने ये क्या किया है। लेकिन अल्लाह ने ख़ुद ही ऐसा कोई जेहन में डाला है कि डेढ़ शीट उठाओ और देखो, बाय चांस जो है आपके भाई ने डेढ़ शीट देखी है और आपका भाई जो है फिर अब उर्दू की तैयारी शुरू करने लगा है। और उर्दू इज़ वेरी इजी, लेकिन लिखने में मिस्टेक हो जाती है। आपके भाई को पूरे 2 घंटे लगे हैं उर्दू का टेस्ट याद करने के लिए, लेकिन ये तो चलो अच्छा ही हो गया कि आपके भाई को पता चल गया कि भाई आज जो है उर्दू का टेस्ट था। वरना अगर मैं उर्दू की जगह मैथ की तैयारी कर लेता तो बहुत बुरा हो जाता कि टेस्ट भी जो है मैथ का नहीं होना था, उर्दू का होना था। जब उधर जाता तो उर्दू का टेस्ट आ जाता सामने, तो फिर आप जानते ही हैं कि फिर इस तरह यकदम जो आपके सामने अगर कोई चीज़ या कोई टेस्ट वगैरह इस तरह आ जाए जिसके आपकी प्रिपरेशन ना हो, एक दफ़ा आपको कुछ समझ नहीं आती कि अब मैं इसके अंदर क्या करूँ। लेकिन फिर भी वो बात है, पढ़ा हुआ है चैप्टर जो है, फिर भी बंदा जो है कुछ ना कुछ कर लेता है। लेकिन उस करने का फ़ायदा कोई नहीं कि आप उसके अंदर अपना 100% ना दे सके। इसलिए चलें, ये अल्लाह का ही कोई करम हुआ है कि मैंने जो है ख़ुद ऐसे ही जो है, मैंने डेढ़ शीट देखनी नहीं थी लेकिन मैंने वो ऐसे ही देख लिया कि कितने जो है टेस्ट मेरे बाकी रह गए हैं तो मैं वो भी देख लेता हूँ साथ, तो वो ऐसे ही उठा ली। तो वो जब मैंने देखा तो ऊपर उर्दू का टेस्ट, आज हमारा उर्दू का टेस्ट था उधर एकेडमी में, और मैंने जो है माशाल्लाह से फिर उर्दू की जो है बहुत अच्छी तैयारी की है। और मैं पुरअमीद हूँ कि मुझे जो है 20 out of 18 तो मस्ट मार्क्स आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। और जो है कल आपके भाई को इस्लामियात का टेस्ट मिला है जिसके अंदर आपके भाई के अल्लाह के करम से 18 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 20 में से। और उसके बाद आपके भाई को इंग्लिश का टेस्ट मिला है, वो भी अल्लाह ने ही मेरे ऊपर करम किया, उसके अंदर भी मेरे जो है 20 में से 18 मार्क्स आए हैं। क्योंकि मैं जो हूँ, और आप ऐसा देखें, जिन बच्चों ने वहाँ पर जो है बुक का लेटर याद कर कर लिखा हुआ था उनको लेटर में से 6 मार्क्स मिले हैं, और मैंने जो बड़ी पैराग्राफिंग करके और बहुत प्यारे अंदाज से लिखा था और मुझे जो है 8 मार्क्स मिले हैं। और मेरा रिकॉर्ड है, जब से मैं अकेडमी में पढ़ रहा हूँ मेरे कभी भी लेटर में कम मार्क्स नहीं हुए। क्वेश्चन आंसर में कभी 0.5 कम हो सकता है, लेकिन लेटर में मेरा कभी और MCQs मेरे कभी गलत नहीं हुए। ये मेरा रिकॉर्ड है कि जब से मैं अपनी उस वाली एकेडमी में जाके पढ़ रहा हूँ तब से आपके भाई का एक भी जो है वो
एक दफा भी जो है ना मेरा लेटर में मार्क्स मैंने अपने डाउन नहीं होने दिए। उसमें मैंने माशाल्लाह माशाल्लाह फुली मार्क्स दिए लेटर में। और क्वेश्चन आंसर्स में कभी कभी वो 5.5 कम हो जाता है, क्योंकि वो जो है कभी कभी आपके मिस्टेक हो जाती है तो। लेकिन लेटर जो है ना लेटर में आपके भाई की कभी कोई मिस्टेक नहीं हुई। तो आपने अपने भाई के लिए दुआएं करनी है कि जिस दिन आपके भाई ने 9th में जिस दिन मेरे अच्छे मार्क्स आए, उस दिन जो है मैं आप सबके लिए गिव अवे लगाऊंगा। हम वोटिंग करवाएंगे और जो उसके अंदर गिव अवे में जो हमारा भाई जीतेगा उसको हम लोग एक बहुत बड़ा एक बम्पर प्राइज देंगे, और उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। कंट्रोल कंट्रोल चले दोस्तों, फिर आप चलते हैं। आज थोड़ी सी ग्रोसरी करनी है घर के लिए, चले आए। अब फिर ग्रोसरी करने के लिए चलते हैं, चले आ जाए। आपको हो चुका है रेडी, और अब आपका भाई जाने लगा है जी एकेडमी। और आज देखते हैं कि जी आज का टेस्ट कैसा होता है, और आपका भाई अब आपको एकेडमी से आकर मिलेगा। भाई जो है आपका एकेडमी से आ गया था, और ये आप देख सकते हैं कि अब ये जो है खाने का टाइम है, और इसे 8:30 हो चुके हैं और भूख बहुत शदीद लगी है। और आपका भाई अब खाना खाएगा, डायरेक्ट खाने की तरफ बढ़ते हैं। और ये हमारे खाने के साथ चटनी होती है, और जो खाने का जो मज़ा उसको मज़ीद दुबाला कर देती। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों खाना खा चुके हैं, और अब जो है वीडियो को एंड करने का वक्त आ पहुंचा है। आपको उम्मीद है कि आपको ये जो है डेली लाइव व्लॉग्स पसंद आए होंगे। जिनको व्लॉग्स पसंद आए हैं वो कमेंट करें, और जिनके जो कमेंट नहीं कर पा रहे वो जो है लाइक्स कर कर और सब्सक्राइब कर कर अपना प्यार दिखाएं। चले कल के व्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।